गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटोर पे। मैं हिमांशु उपाध्याय। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस इंटरनेट के। लास्ट क्लास में हमने एक से लेकर के 50 तक क्वेश्चन किए थे। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट भी उसमें हमने देखी थी और कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो बहुत नॉर्मल थी, हमें देख के ही समझ में आ रही थी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है हमें कि व्हाट इज एन ईमेल, एक ईमेल क्या है। तो हम सबको पता है ईमेल क्या है। पहली बात तो ईमेल एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक लेटर होता है जो कि किसी को सेंड किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और ईमेल क्या है ये यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन के थ्रू। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है हमें सबसे पहले एन इंटरनेट स्टैंडर्ड विच अलाउ यूजर टू अपलोड और डाउनलोड फाइल, बिल्कुल गलत। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, दिया हुआ है एन ऑनलाइन एरिया ऑन विच अ यूजर कैन कन्वर्ट अ राइटिंग फॉर्म अबाउट एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, बिल्कुल गलत। थर्ड, ट्रांसमिशन ऑफ फाइल एंड मैसेज थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, थर्ड वन। क्यों हो गया, समझ में आ ही रहा होगा। इसके थ्रू हम फाइल भी भेज सकते हैं और मैसेज भी भेज सकते हैं, क्या, कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा। आगे चलते हैं, अ चैट इज, चैट क्या है, जो हम चैट करते हैं, अ रियल टाइम टाइप्ड कन्वर्जेशन। क्या होती है, अ रियल टाइम टाइप्ड कन्वर्जेशन, क्यों, क्योंकि जो भी हम लिखते हैं वो उसी समय सामने वाले तक पहुंच जाता है। अ रियल टाइम टाइप्ड कन्वर्जेशन होती है क्या चीज, चैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सीक्रेट कोड दैट रिस्ट्रिक्ट एंट्री इन द सेम प्रोग्राम इज, किसी भी एक प्रोग्राम की कोई अगर हमें डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को सेव करना है तो उसके लिए हम एक सीक्रेट कोड लगाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पासवर्ड। बिना पासवर्ड के वो काम नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं, सेंडिंग एन ईमेल इज लाइक अ राइटिंग अ लेटर, अभी अभी बात करी हमने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, द प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर ऑन अ इंटरनेट इज नोन एज, जब हम सर्वर से किसी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर लेने की कोशिश करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग। और जब कंप्यूटर से कोई डेटा, कंप्यूटर से कोई डेटा सर्वर पे फीड किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, अपलोडिंग। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, अपलोडिंग बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पेस्टिंग क्या होती है, जब एक जगह से दूसरी जगह डेटा को कॉपी करके रख दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, पेस्टिंग बोल दिया जाता है। ठीक है, आईटी का पता आप सबको होगा, मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आगे चलते हैं, एन ईमेल इज सिमिलर टू, वापस सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ई कॉमर्स अलाउज कंपनीज टू, ई कॉमर्स कंपनी को क्या अलाउ करती है। मैंने देखो लास्ट क्लास में भी आपको बताया था ई कॉमर्स होता क्या है, जब भी हमें कोई चीज बेचनी है, खरीदनी है, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहां चेक करो जरा एक बार कि ई कॉमर्स किसको अलाउ करेगा, क्या करेगा, इश्यू इंपॉर्टेंट बिजनेस रिपोर्ट, बिल्कुल गलत। सेकेंड, कंडक्ट बिजनेस ओवर द इंटरनेट, इसको रख सकते हैं। थर्ड, सपोर्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, गलत। कीप ट्रैकिंग ऑफ पेपर, बिल्कुल गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड वन, की कंडक्ट बिजनेस, बिजनेस बढ़ाने के काम आता है ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट पे। क्वेश्चन नंबर 59, अच्छा, जंक ईमेल होती है ऐसी ईमेल जो हमारे किसी काम की नहीं है, वो कहाँ जाती हैं, वो सीधे कहाँ चली जाती हैं, स्पैम के अंदर चली जाती हैं। जो ईमेल हमारे काम की नहीं होती हैं वो सीधे कहाँ चली जाती हैं, स्पैम के अंदर चल जाती हैं। जंक ईमेल कहाँ जाती हैं, स्पैम में। यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं, द इंटरनेट अलाउज यू, इंटरनेट आपको क्या अलाउ करता है, तो इंटरनेट आपको सेंडिंग ईमेल अलाउ करता है, इसको होल्ड पे डालते हैं। व्यू वेबसाइट करता है, इसको भी होल्ड पे डालते हैं। इंटरनेट अलाउ यू कनेक्ट टू सर्वर ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। वो उसके पार्ट है, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको कनेक्ट करने का काम कौन करता है, इंटरनेट। फिर वो अलग अलग तरीके से कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यह है अ प्रोग्राम डिजाइन टू डिस्ट्रॉय डेटा ऑन योर कंप्यूटर विच कैन ट्रेवल टू इन्फेक्ट अदर कंप्यूटर इज कॉल्ड। ठीक है, क्या हुआ, क्या कह रहा है, अ प्रोग्राम डिजाइन टू डिस्ट्रॉय डेटा, मतलब किसी डेटा को खराब करने के लिए, खत्म करने के लिए, ऑन योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में यदि किसी दूसरे कंप्यूटर से कोई भी प्रोग्राम आता है तो उस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, उस प्रोग्राम को कहा जाता है वायरस। क्या कहते हैं उस प्रोग्राम को, तो उस प्रोग्राम को कहा जाता है वायरस। यहां तक मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी सबको।
चलिए फिर आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन वे टू गेट अ वायरस इन योर कंप्यूटर हार्ड डिस्क. सबसे इजी वे क्या है आपके कंप्यूटर हार्ड डिस्क में वायरस को सेव करने का, बाय इंस्टॉलिंग गेम फ्रॉम सीडी रोम, होल्ड पे डाल सकते हैं, बाय ओपनिंग ईमेल, इसको भी होल्ड पे डालते हैं, बाय ओपनिंग पिक्चर फ्रॉम द मोबाइल टू योर कंप्यूटर, इसको भी होल्ड पे डालते हैं, बाय सेंडिंग ईमेल, ये तो गलत ही हो गया. अब देखो क्या बोल रहा है, मोस्ट कॉमन वे टू गेट अ वायरस इन योर कंप्यूटर हार्ड डिस्क, मोस्ट कॉमन वे होता है बाय ओपनिंग मेल. जब आप किसी भी इन्फेक्टेड मेल को ओपन करते हो, ऐसा मेल जो कि किस में गया हुआ है, स्पैम में जाने वाले ज़्यादातर मेल ऐसे ही होते हैं, ठीक है, तो उनको बड़े ध्यान से खोला कीजिए. तो जब भी कोई ईमेल आप ओपन करते हैं तो उससे बेटर वे नहीं हो सकता आपके कंप्यूटर हार्ड डिस्क के अंदर वायरस पहुँचाने का, ठीक है. उसके बाद ये सब चीज़ें आती है सीडी के थ्रू, मोबाइल से पिक्चर अपलोड करने के थ्रू, लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या आता है, बाय ओपनिंग ईमेल, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मार्केटिंग ऑफ इंटरनेट बैंकिंग मींस, जब आप इंटरनेट बैंकिंग की मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है हमारे पास में मार्केटिंग द यूजेज ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शंस थ्रू इंटरनेट. कि हम अगर इंटरनेट बैंकिंग की मार्केटिंग कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन थ्रू इंटरनेट जो है, मोबाइल बैंकिंग ट्रांजेक्शन थ्रू इंटरनेट जो है उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है. हम चाहते हैं कि बैंकिंग जो ट्रांजेक्शन है वो इंटरनेट के थ्रू बढ़े. आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश आर इज यूज टू ट्रांसमिट डेटा ओवर टेलीकम्युनिकेशन लाइन. आपको पता ही है लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था, क्या आंसर आ जाएगा, मॉडेम इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, मोस्ट वेबसाइट्स हैव अ मेन पेज, ठीक है, द डैश विच एक्ट एज अ डोरवे टू द रेस्ट ऑफ द वेबसाइट पेज. समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको, किसी भी वेबसाइट का एक डोरवे पेज कौन सा होता है, जैसे उस वेबसाइट को खोलते हैं तो सबसे पहले वही पेज दिखे, तो वो क्या होता है हमारे पास में, होम पेज. लास्ट क्लास में भी देखा था हमने ये. नेक्स्ट आते हैं, इफ यू आर डूइंग इफ यू आर गोइंग टू अ वेबसाइट यू यूजेज ऑफन इंस्टेड ऑफ हैविंग टू टाइप इन द एड्रेस एवरी टाइम यू शुड. तो यहां क्या कह रहा है आपसे ये जो क्वेश्चन है, ये कहने की कोशिश कर रहा है आपसे कि जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं ज्यादातर टाइम, तो आप बार बार उसका URL टाइप नहीं करना चाहते, URL जहां पे एड्रेस लिखा जाता है. तो आप क्या करें अगर बार बार URL टाइप नहीं करना चाहते, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग टू टाइप ऑफ द एड्रेस एवरी टाइम यू शुड क्या करना चाहिए, उस पर्टिकुलर साइट को क्या कर लो, बुकमार्क कर लो. बुकमार्क कैसे करते हैं, उस URL जो उसका लिखा हुआ आया है, उस URL के आगे एक स्टार बना आता है, उस URL के आगे एक स्टार बना आता है, उसको क्लिक कर दोगे तो वो डार्क हो जाएगा, ठीक है. तो इस तरीके से उसको क्या किया जाएगा, बुकमार्क कर दिया जाएगा. यहां तक बात क्लियर है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आउटपुट विच इज मेड अप ऑफ पिक्चर साउंड और वीडियो. वो आउटपुट जो पिक्चर साउंड और वीडियो से मिलकर बना होता है, तो ऐसा सिर्फ एक ही होता है, डेट इज मल्टी मीडिया. ऐसा मीडिया जिसमें सारी चीजें आ जाएं, तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टी मीडिया. आई थिंक 68 क्वेश्चन कराने की जरूरत है नहीं, लास्ट क्लास में हम कर चुके थे वर्ल्ड वाइड वेब, WWW की फुल फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कह रहा है द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट कनेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड इज कॉल्ड इंटरनेट, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड. अच्छा, फिर लैन क्या होता है, ये नेटवर्किंग में पढ़ेंगे, अभी हम इंटरनेट पढ़ रहे हैं. लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो कि कुछ पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही प्रोवाइड करा पाता है नेट, ठीक है. वेब क्या होता है, वेब एक पोर्टल, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो इंटरनेट का एक पार्ट है, जिसमें वेब का काम क्या होता है, जो कनेक्टिविटी देता है, ठीक है. हाइपर टेक्स्ट आपको पता ही है, इस तरीके से अंडरलाइन वाला पोर्शन, हाइपर लिंक उसको बोलते हैं हम, ठीक है. कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड. तो कोडेड एंट्री होती है कुछ जो कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या करती हैं, एक्सेस कर सकती हैं टू अ कंप्यूटर सिस्टम. मतलब कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस, कोई भी गेन एक्सेस करने के लिए, मतलब कि जैसे सपोज मैंने कोई फाइल रख रखी है, तो उस फाइल को एक्सेस करने के लिए पहले मुझे वो कोडेड एंट्री डालनी पड़ेगी, दैट इज वो क्या चीज है, पासवर्ड डालना पड़ेगा, तब मैं उसको एक्सेस कर पाऊंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल घुमाने के लिए इस तरीके से दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है
द होम पेज ऑफ अ वेबसाइट इज, क्या होता है होम पेज जो वेबसाइट का होता है वो क्या होता है, वो सबसे पहले खुलता है ना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, द फर्स्ट पेज। द इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ, इंटरनेट किस चीज का सिस्टम है, तो इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। इंटरनेट किस चीज का सिस्टम है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये लिख सकते हो, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये चीज आप मेंशन यहां कर सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं। द डैश ऑल्सो कॉल्ड द वेब कंटेन्स बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट, ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसको ऑलवे हम वेब भी कह सकते हैं, वेब की तरह ट्रीट भी कर सकते हैं, दैट इज, वो क्या है हमारे पास जिसको हम वेब की तरह ट्रीट भी कर सकते हैं, दैट इज क्या बोलेंगे इसको, वर्ल्ड वाइड वेब, इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, WWW ऑल्सो कॉल्ड दी वेब कंटेन बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट, इसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट हुए हैं। ठीक है, वॉट इज एन ईमेल अटैचमेंट, ईमेल अटैचमेंट क्या होता है, वापस मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्या होता है, तो देखो यहां दिया हुआ है, द सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम सेंड अलोंग विद एन ईमेल मैसेज, ईमेल मैसेज के साथ जो भेजा जाता है अलग से, जो सेपरेट प्रोग्राम को या डॉक्यूमेंट को, उसको क्या कहा जाता है, अटैचमेंट कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फॉलोइंग आर ऑल कंसीडर्ड एडवांटेज ऑफ ईमेल, ईमेल का एडवांटेज इनमें से किसे कहा जा सकता है, क्या एडवांटेज है और किसे कहा जा सकता है, तो कन्वीनियंस, स्पीड ऑफ डिलीवरी, एक तो कन्वीनियंस है, कन्वीनियंट है बहुत ज्यादा हमारे लिए, स्पीड ऑफ डिलीवरी बहुत जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, जनरेटली, यहां पे क्या लिखा हुआ है, जेंटली, और यहां लिखा हुआ है रिलायबिलिटी, रिलायबल है, स्पीड ऑफ डिलीवरी है, कन्वीनियंस है, और जनरलिटी है इसके अंदर, मतलब ऑथेंटिकिटी भी बोल, ऑथेंटिसिटी भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पहुंचते हैं, और रिलायबल होता है ये काफी ज्यादा, स्पीड ऑफ डिलीवरी होती है, और कन्वीनियंस ही हमारे पास में होता है। ठीक है, तो हम क्या आंसर लगा सकते हैं, फर्स्ट, इसलिए हम किसको, ईमेल के एडवांटेज हैं ये, इसलिए ईमेल को हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेबसाइट या वेब पेज, कौन है जो वेब पेज को एक्सेस करने में काम करता है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो उसको एक्सेस करने में काम करता है, दैट इज ब्राउजर, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर के अंदर रहता है, और इसके बिना आप किसी भी वेब पेज को एक्सेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट दिया हुआ है, डैश अलाउज वॉइस कन्वर्जेशन टू ट्रेवल ओवर द इंटरनेट, कौन अलाउ करता है वॉइस कन्वर्जेशन को कि वो इंटरनेट पे आगे जा सके, अब मतलब डेटा आगे पहुंच सके, तो इंटरनेट टेलीफोनी करते हैं ना हम, इंटरनेट टेलीफोनी या वीडियो कॉलिंग करते हैं या ऑडियो कॉलिंग इंटरनेट के थ्रू करते हैं, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वॉइस कन्वर्जेशन आगे पहुंचा सकते हैं। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है, कंसर्निंग यूजर आईडी एंड पासवर्ड, यूजर आईडी और पासवर्ड के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि सही नहीं है, तो जरा चेक करते हैं, यहां दिया हुआ है, व्हेन यू एंटर योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड अ कंप्यूटर नोज इट इज यू, नो, इफ योर कंप्यूटर आस्क, सॉरी ये क्या गलत क्यों हो गया, क्योंकि हमें नॉट ट्रू बताना है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, ये जो दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है। सेकंड, इफ योर कंप्यूटर आस्क फॉर अ यूजर आईडी और पासवर्ड यू कैन क्रिएट योर ओन, नो, क्योंकि ये भी सही है। समटाइम यू आर असाइंड अ यूजर आईडी और पासवर्ड फॉर सिक्योरिटी रीजन, नो, क्योंकि ये भी पॉसिबल है, ये कई बार कंपनीज के अंदर काम आता है। फोर्थ, यू शुड शेयर योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड विद एटलीस्ट वन अदर पर्सन, ये वाला आंसर सही है, क्योंकि ये चीज ट्रू नहीं होती। ठीक है, क्योंकि कंसर्न की बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू कंसर्निंग यूजर आईडी और पासवर्ड, किसको लेकर के, यूजर आईडी और पासवर्ड को लेकर के क्या चीज सही नहीं हो सकती कि जो यूजर आईडी और पासवर्ड आपका है उसको आपको करना चाहिए दूसरों के साथ शेयर, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए उसको आप दूसरों के साथ, आपको शेयर करना नहीं चाहिए। आई थिंक यहां तक क्वेश्चन क्लियर होगा, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 79 क्वेश्चन को चेक करते हैं। दिया हुआ है, व्हाट इज अ मॉडेम कनेक्टेड टू, वॉट इज अ मॉडेम कनेक्टेड टू, तो किसके साथ कनेक्ट होता है, कल भी बताया था, ब्रॉडबैंड लाइन बोल लो या फोन लाइन बोल लो, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ईमेल एड्रेस टिपिकली कंसिस्ट
of a user ID followed by the dash sign and the name of the email server that manage the user's electronic post office box post user used users electronic post office box. तो देखो यहाँ क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन में कहा गया है कि एन ईमेल एड्रेस, एक ऐसा ईमेल एड्रेस जो कि क्या करता है, यूजर आईडी और पासवर्ड अपने साथ में लगता है, यूजर आईडी फॉलोड बाय अ साइन, कौन सा साइन अभी मैं बताता हूं आपको, एंड द नेम ऑफ द ईमेल सर्वर दैट मैनेज द यूजर इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस बॉक्स, मतलब उसको हम इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस बॉक्स ये होता है, ठीक है. और इसके लिए जो आपके पास ईमेल आईडी होती है उस ईमेल आईडी में कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, दैट इज एट द रेट. ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल नहीं है पर ट्रिकी जरूर था, घुमा के दिया था. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एट द रेट आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ वेब डैश कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वेब पेज लोकल लोकेटेड ऑन अ वेब सर्वर. वेब सर्वर पे एक से ज्यादा जो वेब पेज रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं क्या, साइट. अ वेबसाइट, क्या कहते हैं उन्हें हम, साइट. कौन सी, अ वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वेब पेज. ठीक है, किसी वेबसाइट में एक से ज्यादा मोर वेब पेज होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है, अ कंप्यूटर डैश इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस दैट कैन अटैच इटसेल्फ टू अ फाइल, ठीक है, रिप्रोड्यूस इटसेल्फ एंड स्प्रेड टू अदर फाइल. इसका मतलब क्या है कि वो बार बार स्प्रेड भी करेगा, ठीक है, रिप्रोड्यूस भी करेगा अपने आप को, और अटैच, इट कैन अटैच इटसेल्फ टू अ फाइल, और अपने अपने आप को फाइल के साथ भी जोड़ लेगा, एक ऐसा प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन. तो ये हमेशा चीजें क्या होंगी, नेगेटिव, क्योंकि इससे क्या होगा हमें प्रॉब्लम. इसका मतलब, इसका आंसर क्या होगा, वायरस. वायरस एक ऐसी चीज है जो अपने आप को क्या भी कर लेगा, फाइल से जोड़ भी लेगा, रिप्रोड्यूस भी कर लेगा और स्प्रेड भी कर देगा दूसरी फाइलों में, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वायरस. ट्रोजन हॉर्स भी एक तरीके का वायरस ही होता है, ठीक है, वॉर्म भी एक तरीके का वायरस भी होता है, ठीक है. तो ये होते तो एक ही हैं, लेकिन वायरस एक पर्टिकुलर कैटेगरी होती है जिसमें वो अपने आप को स्प्रेड भी कर सकता है, रिप्रोड्यूस भी कर सकता है और दूसरी फाइल के साथ अटैच भी कर सकता है, ठीक है. आगे चलते हैं. डैश मेक्स इट पॉसिबल फॉर शॉपर्स टू मेक परचेज यूजिंग देयर कंप्यूटर. क्या बोलेंगे, अभी अभी बताया था, ई कॉमर्स बोला जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. प्रोग्राम सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर दैट सर्व एज नेविगेबल विंडो इन टू द वेब आर कॉल्ड, ठीक है, वो प्रोग्राम जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हमें बताया जाता है, ठीक है, दैट सर्व एज नेविगेबल विंडो इन टू दी वेब आर ऑल्सो कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है हमारे पास में वेब ब्राउजर, जिसके अंदर हम इजीली क्या कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं अलग अलग विंडोज को और उसमें अलग अलग वेबसाइट्स को, ठीक है, जैसे कि क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, एक वेब ब्राउजर है, ठीक है. आगे आते हैं. तो नेक्स्ट दिया हुआ है, डैश दिस इज द एक्ट ऑफ कॉपिंग और डाउनलोडिंग अ प्रोग्राम फ्रॉम अ नेटवर्क एंड मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ इट. तो ये क्या होगा, तो किसे किसके लिए बात कर रहा है, डैश मतलब वो चीज, दिस इज एक्ट ऑफ कॉपिंग और क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग. क्या है ये, दिस इज द एक्ट ऑफ कॉपिंग और डाउनलोडिंग अ प्रोग्राम फ्रॉम द नेटवर्क एंड मेकिंग मल्टीपल कॉपी ऑफ इट. तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी. क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर पायरेसी. तो सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है हमारे पास में, कि हम उसको डाउनलोड करें, कॉपी करें और उसकी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बना दें. जैसे हम मूवी डाउनलोड कर लेते हैं और उसको सीडी में डाल के उसकी बहुत सारी कॉपी बना के बेच देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पायरेसी. ठीक है, आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट sets the standard used by every computer that access web-based information. ठीक है, तो देखो जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ प्रॉब्लम होगी, समझ में नहीं आया क्या है? लेकिन देखो जब हम समझेंगे तो एक बार में पता लग जाएगा कि कितना ईजी था. Which of the following is the communication protocol? वो कौन सा communication protocol है that sets the standard,
जो एक स्टैंडर्ड सेट करता है किसके लिए, यूज्ड बाय एवरी कंप्यूटर दैट एक्सेस वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन। जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन यूज करने वाले कंप्यूटर होते हैं, मतलब इंटरनेट यूज करने वाले कंप्यूटर होते हैं, उनके लिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का एक स्टैंडर्ड सेट करता है, दैट इज HTTP। उसको क्या बोला जाता है, HTTP। बात समझ में आ रही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक बार चेक कर लेना, हो सकता है शायद फुल फॉर्म में कुछ चेंज हो। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये भी एक तरीके का। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, और इसको सिक्योर बनाने के लिए इसके आगे हम एस का यूज कर देते हैं, स्मॉल एस। आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है हमारे पास, अ डैश इज अ कंप्यूटर अटैच्ड टू द इंटरनेट दैट रन अ स्पेसिफिक वेब सर्वर सॉफ्टवेयर एंड कैन सेंड वेब पेज आउट टू अदर कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट। मतलब एक ब्राउजर सॉफ्टवेयर का यूज करता है जिसको हम ब्राउजर बोलते हैं, और वेब पेज के थ्रू दूसरे कंप्यूटर पे वो इंटरनेट पे क्या भेज देता है, इंफॉर्मेशन भेज देता है या वेब पेजेस को भेजता है। तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है वेब सर्वर। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं हम वेब सर्वर। अ वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर अटैच्ड टू द इंटरनेट दैट रन ए स्पेसिफिक वेब सर्वर। ठीक है, जो कि क्या करता है, एक स्पेसिफिक वेब सर्वर को क्या कराता है, रन कराता है, स्पेसिफिक वेब सर्वर सॉफ्टवेयर को रन कराता है एंड कैन सेंड वेब पेजेस आउट ऑफ अदर कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट। ठीक है, वेब सर्वर क्या होता है, आपने देखा होगा कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, जैसे कोई आईटी कंपनी है तो इसमें एक वेब सर्वर लगा रहता है, एक सर्वर रूम होता है जहां पे एक कंप्यूटर होता है, या फिर जब भी आप आईबीपीएस या किसी दूसरा पेपर देने के लिए जाते हो तो वहां पे एक सर्वर रूम बना होता है जिसमें कंप्यूटर लगा होता है, और बाहर जो बहुत सारे कंप्यूटर लगे होते हैं हर रूम में, ये सारे के सारे कंप्यूटर स्विच के थ्रू इससे जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो कोई भी यदि सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई भी वेब पेज या कोई भी डेटा यहां से यहां ट्रांसफर किया जाएगा तो इन सब पे एक साथ ये डेटा चला जाएगा। ठीक है, जैसे वो सॉफ्टवेयर खुलता है तो सब पे एक साथ खुलता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, वेब सर्वर कहते हैं इसको हम, ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, वेब सर्वर कहा जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, डैश आर अ टाइप ऑफ इनएक्सपेंसिव डिजिटल कैमरा दैट रिमेन, क्या कर रहा है वो, दैट रिमेन टीथर्ड टू अ कंप्यूटर एंड यूज्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो चैटिंग एंड लाइव वेब ब्रॉडकास्ट। ठीक है, इन सब चीजों के लिए वो कौन सी चीज है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज वेबकैम। किसका इस्तेमाल किया जाता है इन सब चीजों के लिए, वेबकैम का यूज किया जाता है, वीडियो कॉलिंग के लिए भी, वीडियो चैटिंग के लिए भी, और लाइव वेब ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी। ठीक है, वेबकैम्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये हम पढ़ेंगे, नेटवर्किंग में आएगा ये हमारे पास में टॉपिक, TCP/IP प्रोटोकॉल। ठीक है, ये प्रोटोकॉल है TCP/IP प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं, तो क्या कह रहा है वो, द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज, इंटरनेट का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है, तो यही होता है कौन, TCP/IP। इसके बिना इंटरनेट काम नहीं करता, ये लेयर्स की फॉर्म में काम करता है, टोटल 7 लेयर होती हैं इसके अंदर, और ये जो 7 लेयर इसके अंदर होती हैं, इन सातों लेयर में सबसे नीचे फिजिकल लेयर होती है, फिर डेटा लेयर होती है, फिर पैकेट होते हैं, फिर फ्रेम बनते हैं, तो इस तरीके से जाकर के फाइनली वो इंटरनेट पे जाता है और वहां से वापस नीचे आता है, दोबारा से नीचे आके, और यही दोबारा ओपन होता है और फिर उल्टी फॉर्म में ये चलता है। ठीक है, वही डेटा की फॉर्म में, इस तरीके फ्रेम की फॉर्म में टूटता जाता है और वापस फिजिकल में आकर के हमारे कंप्यूटर पे दिखाई देता है। ये मैं समझाऊंगा आपको नेटवर्किंग के अंदर, ये TCP/IP क्यों इंपॉर्टेंट है इंटरनेट के लिए, इसके बिना इंटरनेट पे आप काम नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द एक्रोनिम, मतलब फुल फॉर्म, जो ये शॉर्ट फॉर्म है एक्रोनिम, कौन सी, HTML स्टैंड फॉर, तो इसका क्या आ जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर मार्कअप, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या हो जाएगा इसका, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यूजर टू सर्व द इंटरनेट, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो यूजर को अलाउ करता है कि भैया आप नेट चला लो, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्राउजर बोलते हैं, इसके बिना आप सर्व नहीं कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ डैश, या क्या बोला गया है, अ मॉडम डैश, क्या बोला गया है, मॉडम डैश, तो क्या डैश, ये पढ़ के पता लगेगा, अ मॉडम ट्रांसलेट्स एनालॉग सिग्नल फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू डिजिटल सिग्नल
दैट कैन ट्रेवल अलोंग कन्वेंशनल टेलीफोन लाइन। अब देखो, एनालॉग सिग्नल को यदि आप डिजिटल में कन्वर्ट कर दोगे तो डिजिटल सिग्नल कभी भी कन्वेंशनल टेलीफोन लाइन के थ्रू ट्रांसमिट नहीं हो सकते, इसलिए पहला गलत हो गया क्योंकि इसने बात ही उल्टी बोल दी। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि ट्रांसलेट अ मॉडम ट्रांसलेट डिजिटल सिग्नल फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल दैट कैन ट्रेवल अलोंग कन्वेंशनल टेलीफोन लाइन। हाँ, एनालॉग सिग्नल टेलीफोन लाइन के थ्रू जा सकता है, इसलिए सेकेंड वन इज राइट। तो ये कंफ्यूज करने के लिए आपको बताया गया है उल्टा करके कि आपको डिजिटल और एनालॉग में डिफरेंस पता है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ वेबसाइट एड्रेस इज अ यूनिक नेम। सबको पता है कि वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो एक यूनिक नेम होता है, ठीक है। अ वेबसाइट एड्रेस इज अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक डैश ऑन दी वेब। क्या करता है? स्पेसिफिक क्या स्पेसिफिक ढूंढता है? स्पेसिफिक वेबसाइट, क्योंकि किसी भी वेबसाइट का एड्रेस जो होता है वो उसका यूआरएल होता है, और यूआरएल किसको शो करता है? किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को शो करता है। यहां तक बात क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इंटरनेट अलाउज यू टू, इंटरनेट आपको क्या करने को अलाउ करता है? तो इंटरनेट अलाउज यू टू सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, बिल्कुल सही है। व्यू वेब पेजेस, बिल्कुल सही है। कनेक्ट टू सर्वर ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। तो क्या आ जाएगा आंसर? ऑल ऑफ दीज आपका आंसर आ जाएगा। तो इंटरनेट आपको इन सब चीजों के लिए अलाउ करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट मेल प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट द फॉलोइंग टू पार्ट ऑफ एन ईमेल। मोस्ट मेल प्रोग्राम कुछ ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर लेते हैं ईमेल के दोनों हिस्सों को। तो कौन से दोनों हिस्सों को ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर लेते हैं? तो फ्रॉम एंड डेट, इन दोनों को वो अपने आप भर लेता है। आप जब भी कंपोज मेल करोगे ना, तो जैसे ही कंपोज मेल करोगे तो फ्रॉम में तो आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल होके आ जाएगा, और डेट में भी डेट ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगी, बाकी डेटा आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। बॉडी क्या होती है? जहां पे मैसेज लिखते हो उसको बॉडी बोलते हैं। टू, जिसको भेज रहे होते हो। सब्जेक्ट, जहां पे मेंशन करते हो कि किसके बारे में लिखा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो द इंटरनेट अलाउज यू टू, इंटरनेट आपको क्या अलाउ करता है? तो मेरे हिसाब से ये फिर से रिपीटेशन है। तो इंटरनेट आपको क्या अलाउ करता है? व्यू वेब पेज, इलेक्ट्रॉनिक मेल, कनेक्ट सर्वर। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन वे टू गेट अ वायरस इन योर कंप्यूटर हार्डवेयर? अभी अभी बताया था, बाय ओपनिंग ईमेल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ चैट इज, चैट क्या है? तो आई थिंक ये भी हम कर चुके हैं। चैट क्या है? अ टाइप्ड कन्वर्जेशन डेट टेक प्लेस ऑन अ कंप्यूटर, उसको क्या बोलते हैं? टाइप कन्वर्जेशन। और पहले जो क्वेश्चन चैट का पूछा था उसमें क्या था? इट इज अ रियल टाइम कन्वर्जेशन। तो दोनों ही सही है, इट इज अ रियल टाइम कन्वर्जेशन, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है, रियल टाइम कन्वर्जेशन भी होती है और टाइप कन्वर्जेशन दैट टेक प्लेस ऑन अ कंप्यूटर, ठीक है। आगे आते हैं। द इंटरनेट इज डैश, इंटरनेट क्या है? द इंटरनेट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, रोक लेते हैं। सेकंड पे आते हैं, एन इंटरनेशनल एन इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम फ्रॉम अ बिजनेस, बिल्कुल गलत। अ कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर इंडियन, बिल्कुल गलत। आंसर क्या हो जाएगा? अ लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, बहुत सारे नेटवर्कों का एक लार्ज नेटवर्क होता है। अच्छा, इंटरनेट केबल्स जो होती हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर की बनी होती हैं, तो उन ऑप्टिकल फाइबर की बनी हुई इंटरनेट केबल्स को इतनी दूर दूर तक कैसे लाया जाता है? आपको पता है ना कि फेसबुक का सर्वर तो यूएसए में है, लेकिन उसका डेटा एक्सेस करने के लिए यहां तक केबल कैसे आती है? तो वो जो केबल होती हैं वो समुद्र के थ्रू, मतलब सी और ओशियंस के थ्रू क्या करी जाती है? एक कंट्री, एक कॉन्टिनेंटल, एक कंट्री से दूसरे कॉन्टिनेंटल या दूसरी कंट्री में भेजी जाती हैं समुद्र के थ्रू, नीचे जा करके, और उसके बाद वो डेटा भेजा जाता है। कभी यूट्यूब पे वीडियो देखना, समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड स्पैम। मेरे हिसाब से अब रिपीट होना शुरू हो चुके हैं क्वेश्चन। टू व्यू इंफॉर्मेशन ऑन वेब यू मस्ट हैव अ वेब ब्राउजर। मेरे को नहीं लगता कि अब क्वेश्चन को आगे बढ़त है। अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट विच क्लिक ओपन अनदर डॉक्यूमेंट, तो क्या होगा? ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि क्लिक करने पे दूसरा डॉक्यूमेंट, दैट इज हाइपरलिंक।
अगला क्वेश्चन है, डैश इज द मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट एक्टिविटी, कौन सी है जो मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट एक्टिविटी है? तो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट एक्टिविटी क्या है? दैट इज एंकर तो नहीं है, ठीक है, यूआरएल भी नहीं है, हाइपरलिंक भी मोस्ट पॉपुलर नहीं है, सॉरी हम गलत आ गए शायद, ये नहीं होगा। अगले क्वेश्चन है 103 पे हम हैं, दिया हुआ है यहाँ पे इज द मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट एक्टिविटी, तो मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट एक्टिविटी क्या है हमारे पास में? आर्ट बिल्कुल नहीं, शॉपिंग नो, सर्चिंग ये हम एक बार बोल सकते हैं, एंटरटेनमेंट नो, और कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन, तो इन सब में से कौन सी है जो मोस्ट पॉपुलर हमारे पास में क्या है, इंटरनेट एक्टिविटी है? तो दो ही यहाँ पे बन सकती हैं, या तो कम्युनिकेशन बन सकती है या सर्चिंग बन सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है, कम्युनिकेशन है, क्योंकि हम इंटरनेट का बेसिकली इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, फेसबुक चलाने के लिए, व्हाट्सएप चलाने के लिए, इंस्टाग्राम चलाने के लिए, तो कम्युनिकेशन हम लोगों से करना चाहते हैं अलग अलग कंट्री में बैठे हुए, इसलिए मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट एक्टिविटी क्या है हमारे पास, कम्युनिकेशन है। व्हाट इज ई कॉमर्स? अपने प्रोडक्ट को इंटरनेट पे सेल करना, से बाइंग और सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज ओवर दी इंटरनेट, ठीक है, तो इंटरनेट पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना या फिर उन्हें खरीदना, उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ई कॉमर्स, उसको इंटरनेट कर लेना। यहां तक क्लियर है? आज का एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसको हम खत्म करेंगे। तो दिया हुआ है व्हाट आर दी फोर थिंग नीडेड टू कनेक्ट टू इंटरनेट, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए चार इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चाहिए इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए? आपको चाहिए कंप्यूटर, आईएसपी, क्या चाहिए, आईएसपी, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्या चाहिए हमें, सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, ठीक है, थर्ड मॉडेम चाहिए जो इससे कनेक्ट करेगा लेन के साथ, और कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए जिसको हम बोलते हैं वेब ब्राउजर, क्या बोलते हैं, वेब ब्राउजर, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें नीड होती हैं यदि हमें क्या करना है, इंटरनेट एक्सेस करना है। तो यहां तक बात क्लियर है? आज के लिए इतना ही करेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस थे हमारे पास में वो हमने देख लिए हैं, ये इंटरनेट से रिलेटेड है, ई कॉमर्स क्या होता है, यूआरएल क्या होता है, एचटीटीपी क्या होता है, एचटीएमएल क्या होता है, ये सब चीज़ें ये आपस में इंटरकनेक्टेड, टीसीपीआईपी मॉडल क्या होता है, ठीक है, कैसे एक जगह से डेटा दूसरी जगह जाता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल 01 की फॉर्म में होता है, एनालॉग सिग्नल क्या होता है, एनालॉग सिग्नल साइनोसोइडल वेव फॉर्म में हो सकता है, मतलब कुछ इस तरीके से हो सकता है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं, इंटरनेट के अंदर आती हैं, कनेक्टिविटी कैसे होती है, अपलोडिंग क्या होती है, कंप्यूटर से डेटा को सर्वर पे अपलोड करना उसको अपलोडिंग कहते हैं, सर्वर से डेटा को कंप्यूटर पे लाना डाउनलोडिंग कहा जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता लगाए होनी चाहिए। आईएसपी क्या होता है, देखो आईएसपी भी मैं आपको बता देता हूँ, आईएसपी होते हैं कौन से, एयरटेल हो गया, ठीक है, बीएसएनएल हो गया, ये क्या करते हैं, हमें ब्रॉडबैंड प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, और उस ब्रॉडबैंड के साथ में ये एक मॉडम भी देते हैं ताकि आप कनेक्ट कर सको उसे कंप्यूटर के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।